अनुराग, उन्नाव की जो बेटी है उसका जो मामला उभर कर सामने आया है, वो कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर की जो संवेदना है उसे जो है झकझोर कर रख देता है। और सबसे अहम बात कि एक डर हर घर में कोई ना कोई किसी न किसी की बहन है, बेटी है, उसके अंदर ये डर जरूर पैदा हो जाता है कि ये मामला उसके साथ भी हो सकता है। आपसे जानना चाहूंगा, कहीं ना कहीं ये डर इन सब मामलों को देखकर, उन्नाव की बेटी का मामला देखकर कहीं ना कहीं डर पैदा होता है? बिल्कुल, बुरी तरह से डर पैदा होता है कि अगर जस्टिस में इतनी डिले होगी, कोई भी काम में प्रोसेस में 6 महीने के बजाय 8 महीने के बजाय 10 महीने के बजाय, आपको भूख अभी लगी है तो खाना अभी चाहिए, 2 दिन बाद 365 दिन बाद या 2 साल बाद खाना से आपकी भूख नहीं मिटेगी, आप मर जाओगे तब तक। अगर जस्टिस डिले होता है तो हमको लगता है कि हमारी बच्चियां भी सेफ नहीं है। आज उसके साथ हुआ है, जस्टिस होने में 2.5 साल लग गए, इसका नतीजा ये निकला कि बच्ची दुनिया से चली गई। बाकी दुनिया की जो माए हैं, भारत की माए हैं, वो ये सोच रही है हमारी बच्चियों को पढ़ा लिखा के हम बाहर कैसे भेजें, हमारा ये देश हमारी बच्चियों के लिए सुरक्षित नहीं है, हमारे देश में हमारी बच्चियों को न्याय नहीं मिल सकता, न्याय के लिए हमें गुहार लगानी पड़ती है, रोना पड़ता है। और ऊपर से अपनी बच्ची को स्कूल में भेजते वक्त डर लगता है कि कहीं ना कहीं वो वापस लौट रही है सही सलामत है? स्कूल में भेजते हुए, ऑफिस जाते हुए, हर जगह डरते हैं। ये क्या बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का अभियान चल रहा है? किस लिए बचाएं बेटियां, किनसे बचाएं, किस किस से बचाएं? आज कहीं इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज में हम लोग सिक्योरिटी गार्ड लेके बैठते हैं, लेकिन बाहर निकलो, बाहर इलीगल पार्किंग ट्रकों की होती है, जहां रात को हम लोग हमारी बेटियां निकलते हुए डरती हैं, हम लोग खुद इतनी बड़ी उम्र में चलते हुए डरते हैं। मैं कह रही हूं, क्योर की बात छोड़िए, प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन क्या हो रहा है, पहले से इतने अलर्ट क्यों नहीं है, क्यों हम किसी के जलने का, किसी के मरने का इंतजार करते हैं, क्यों हमारी बेटियां अजली हमारे पास वापस आती हैं? हमको जिंदगी भर यही डर रहता है कि हमारी बेटी सही सलामत वापस आ जाए, ये सब इंतजार क्यों है, मोमबत्तियां जलने का, सोशल मीडिया का, जिन ये तो जो केस आपके सामने इंतजार क्यों है? और सबसे अहम बात, जब आपके बच्चे, आप खुद निकलते हैं बाहर, तो ईव टीजिंग और कहीं ना कहीं छेड़ने वाले लोग मौजूद रहते हैं हर एक व्यक्ति में, कहीं ना कहीं वो जरूर दिखता है जो इस उन्नाव की बेटी के साथ करने वाले आरोपियों में है। हाँ, मैं भी डरती हूँ कि मेरी बेटी कहीं बाहर जाए, छोटी है अभी तो, जूनियर केजी में, बट फिर भी मुझे डर रहता है कि स्कूल से आ रही, जो आप अपने बात की है वो मुझे अभी भी डर लगता है कि ये सब बातें सुनती हूँ तो पता नहीं, लेट भी हो जाता है 10 मिनट तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ ख्याल आते हैं। अनुराग, ये साफ तौर पर डर लोगों के मन में दिखाई पड़ रहा है क्योंकि मामला बिल्कुल देख पा रहे हैं आशीष, कि ये डर है लोगों के मन में। इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो ये खौफ और ज्यादा बढ़ जाता है और विश्वास कहीं ना कहीं कानून पर डगमगाता है लोगों का। हमारे साथ तमाम सहयोगी पूरे देश में हम इस चर्चा को ले जाना चाहते हैं। हमारे साथ मनोज मौजूद हैं भोपाल से, वहां वो एक कॉलेज में खड़े हुए हैं और ये गर्ल्स कॉलेज है मुझे लगता है, वहां पर क्या स्थिति है, इन लड़कियों से बात करके बताइए हमको मनोज, कि क्या वाकई में डर है इन लड़कियों के मन में, कॉलेज आने जाने में भी खौफ पैदा हो गया है, क्या ये हालात वहां पर इस तरीके के हैं? ये कॉलेज में सरोजिनी नायडू कॉलेज की लड़कियां हैं, ये सब लोग